दोस्तों, जहां एक तरफ बोनी कपूर की मैदान को 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, वहीं बाहुबली डायरेक्टर की आरआरआर 2 दिन पहले यानी 13 तारीख को रिलीज होने वाली है। अब क्योंकि दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन का अहम रोल है, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर एक्टर खुद से ही टक्कर लेते दिखने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ, मैं हूँ आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक्टर अजय देवगन के लिए साल 2021 काफ़ी बिजी साबित होने वाला है। उनकी कई बड़ी फिल्में रिलीज होने को तैयार हो चुकी हैं। इस लिस्ट में मैदान, आरआरआर जैसी बिग बजट फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन अब इन दो फिल्मों की वजह से अजय देवगन मुसीबत में भी फंस गए हैं। पहली बार बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन वर्सेज अजय देवगन देखने को मिलने वाला है। दरअसल दोनों ही फिल्में इसी साल अक्टूबर महीने में रिलीज होने जा रही हैं। एक तरफ बोनी कपूर की मैदान को 15 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा, तो वहीं बाहुबली डायरेक्टर की आरआरआर को 2 दिन पहले यानी 13 तारीख को रिलीज किया जाएगा। अब क्योंकि दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन का अहम रोल है, ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर एक्टर खुद से ही टक्कर लेते दिखने वाले। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तकरार की वजह से निर्माता बोनी कपूर खासा नाराज हैं। उन्हें आरआरआर के मेकर से काफ़ी शिकायत है। उनकी नज़रों में जिस डायरेक्टर ने बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्में दी हो, उन्हें त्यौहार या फिर किसी वीकेंड वीक पर की क्या ज़रूरत है, ऐसा उनका मानना है। एक इंटरव्यू में बताया कि जो डायरेक्टर है उनका ये गलत फैसला है। वे कहते हैं कि अजय देवगन को खुद आरआरआर की रिलीज डेट सिर्फ 1 दिन पहले ही पता चली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आरआरआर के मेकर से बात करूं, क्योंकि हमने मैदान की रिलीज डेट पहले से ही फाइनल कर ली थी। अजय चाहते थे कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, लेकिन वे तैयार नज़र नहीं आए। इसी वजह से अजय ने आरआरआर की रिलीजिंग डेट रीट्वीट नहीं की है। दोस्तों, वहीं बोनी कपूर ने अपनी फिल्म को पोस्टपोन करने से भी साफ मना कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे 15 अक्टूबर को ही मैदान रिलीज करने वाले हैं। उनकी नज़रों में अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अपने अलग कॉन्सेप्ट की वजह से ज़रूर दर्शकों का दिल जीत जाएगी। वहीं आरआरआर की बात करें तो इस फिल्म में वैसे तो साउथ स्टार्स का बोलबाला है, लेकिन अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे सितारे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए। क्या बोनी कपूर के साथ गलत हुआ है? क्या आरआरआर को अपनी रिलीजिंग डेट चेंज कर देनी चाहिए? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। नमस्कार।